नए वीडियो में। सो फाइनली दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सामने का लोकेशन है सूरत सिटी का है, और ये जो आप रोड देख रहे हो, यहाँ पे हम सुबह के टाइम रनिंग करने आते हैं। और उस समय दोस्तों, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कोई नदी नहीं है, आई मीन एक नाला है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है एक हिसाब से देखा जाए तो। और ये मैं अगल बगल आपको दिखा दे रहा हूँ तो देख सकते हैं कि काफ़ी बिल्डिंग है, एक उस तरफ भी रोड है और एक रोड इस तरफ भी है। हालांकि ये रोड पूरी तरह से खाली ही रहता है, इसमें ज़्यादातर लोग रनिंग के लिए आते हैं। अगर मैं आपको एकदम सीधा करके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड पूरी खाली है। यहाँ सुबह के टाइम 5 से 6 के 7 बजे के अंदर अंदर काफ़ी लोग दिखेंगे, हालांकि एक दो गाड़ी मोटर यहाँ पे जाती रहती हैं, बट फिर भी लोकेशन काफ़ी अच्छा है। और थोड़ी अगर दूर की बिल्डिंग में आपको जूम करके दिखाऊँ तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसके आगे पूरी लाइन से बिल्डिंग ही बनी है। ये देख सकते हैं मैंने इतना जूम किया हुआ है तो पूरी उधर लाइन से पूरी बिल्डिंग ही बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और उस तरफ मैं अपने लेफ्ट साइड दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं पूरा जंगल है यहाँ पे, बट फिर भी कोई डर नहीं है, नॉर्मल आपको पशु पक्षी ही मिलेंगे, कोई डर जैसा यहाँ पे नहीं है। बट उस तरफ पूरा जंगल है और बीच में रोड है, और ये सामने में सूर्य भगवान को भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है गाइस, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं पापा गाड़ी खड़ा करके आते हैं यहाँ पे डेली सुबह के टाइम रनिंग करने, और मेरी बहन लोग भी आते हैं, उन लोग काफ़ी अंदर अभी गए हुए हैं, आई मीन रोड जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक। हालांकि बीच में आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिलते ही रहेंगे, या मतलब रनिंग वाले यहाँ पे रहते ही रहते हैं, देख सकते हैं बाइसिकलिंग वाले भी आते रहते हैं। ये देख सकते हैं रोड पूरा ही खाली है और लोकेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ का। अगर एक हिसाब से आप मैं बता दूँ, मैं थोड़ा देख सकते हैं सामने एक पुल है, ये देख सकते हैं ये सामने पुल है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वो मेन रोड का पुल है, आई मीन वो रोड सीधा शहर में ही एंट्री करता है, अगर मैं आपको रियली दिखा बता दूँ तो। लोकेशन काफ़ी अच्छा है गाइस, और हमारा सुबह का 2 से 2 घंटा अप्रोक्स इसी लोकेशन पे बीतता है। सो आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ऐसा करता हूँ ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो।